फ्रेंड्स तो बात करते हैं कि मतलब आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें ये वैकेंसी किस किस के लिए है, मतलब ये वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट्स के लिए। मतलब इसमें वेरियस टाइप की वैकेंसीज है, स्टेशन मास्टर टाइपिस्ट की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, ये मतलब ऑल ओवर इसके जो जॉब लोकेशन है वो ऑल अक्रॉस इंडिया रहेगी। और इसमें ग्रेजुएट लेवल की 8113 पोस्ट है, मतलब काफी ज्यादा पोस्ट है, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की है वो 3445 पोस्ट है। आप मोड ऑफ एप्लीकेशन मतलब इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। और जो डेट्स की बात करें तो जो ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है मतलब ग्रेजुएट लेवल्स की जो जॉब्स हैं उनकी डेट 14 सितंबर से स्टार्टिंग डेट है और 13 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलेंगे। और अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 21 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये 20 अक्टूबर तक चलेंगे, मतलब लगभग 1 महीना तक आपका फॉर्म चलने वाला है। और इसके बाद करें सिलेक्शन में मतलब इसमें दो टेस्ट होंगे, पहले CBT 1 होगा और फिर CBT 2 होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrbcdc.government.in, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी कौन कौन से पोस्ट पर है। पहले बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट पे, और मतलब इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, चीफ कमर्शियल ऑन कॉमर्स टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। और ये लगभग 8113 वैकेंसीज है और ये मतलब जोन वाइज वैकेंसीज में होने वाला है जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। इसमें अलग अलग आप क्रिटेरिया देख सकते हैं अपनी कैटेगरीज वाइज, मतलब किस जोन में कितना क्या मतलब कट ऑफ जाने वाला है, मतलब उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। ओके, और अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उसमें 3445 पोस्ट पर वैकेंसी का फिलअप होना है, तो उसके लिए भी 4 पोस्ट हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, और ट्रेंस क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आरआरबी एनटीपीसी की फीस कितनी लगने वाली है। हम फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं लेकिन हमारी कैटेगरी वाइज फीस कितनी होने वाली है। तो पहला पॉइंट है कि जनरल ओबीसी की जो फीस है वो लगभग 500 रुपये होने वाली है पर फॉर्म की, और जो एससी एसटी के स्टूडेंट है, पीडब्ल्यू के वुमेन हो गए, और जो बाकी सारी क्राइटेरियाज हैं उनके 250 रुपये लगने वाले हैं, मतलब 250 रुपीज लगने वाले हैं। और ये 250 रुपये आपके डिडक्ट हो जाएंगे बैंक के चार्जेस कटने के बाद, मतलब आपको वापस फर्स्ट स्टेज में अपियर होने के बाद में वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। मतलब इसमें अलग अलग पोस्ट है, ग्रेजुएट डिग्री से भी रिलेटेड पोस्ट है, मतलब इसमें आपका जॉब वाइज मतलब आपकी डिग्री उसमें मांगी जाएगी। मतलब 12th पास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जॉब है, जिनको टाइपिंग अच्छी आती है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर के लिए उन्हें बढ़िया आती है, उनके लिए भी ये जॉब है। एज लिमिट की बात करें तो मतलब ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल में दोनों में अलग अलग ही एज की लिमिट डिसाइड की गई है। जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें मिनिमम एज 18 to 36 ईयर होना चाहिए, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसमें 18 to 33 ईयर्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो इसमें दो स्टेज में, तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT 1 और CBT 2, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि स्किल टेस्ट होगा एप्टीट्यूड बेस्ड, फोर्थ होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिफ्थ होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 की सैलरी मतलब हमको कितने मिलने वाली है। आरआरबी एनटीपीसी में मतलब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए बात करें तो जूनियर क्लर्क अलग अलग पॉइंट मतलब अलग अलग जॉब लो पोस्ट के लिए अलग अलग जो सैलरी है वो डिसाइड की गई है। पहले जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 19,900 से स्टार्टिंग है जो लेवल 2 की सैलरी है, और अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 19,900, ये भी लेवल 2 की सैलरी है। थर्ड जॉब में भी 19,900 लेवल 2 की है इसमें भी, और जो थर्ड फोर्थ पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट लेके उसकी 21,700 से स्टार्टिंग है, मतलब लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है। और जो आरआरबी एनटीपीसी सैलरी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है वो 29,200, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 35,400, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 29,200, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 29,200, जूनियर कम अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, और 35,400 स्टेशन मास्टर के लिए। इसमें अलग अलग अलाउंसेस भी आपके इंक्लूड्स होंगे, पर्स जो भी है, DNS अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, पेंशन स्कीम्स है, मेडिकल बेनिफिट्स अलग अलग भी रहेंगे, मतलब इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स जो आपको इस वैकेंसी में मिलने वाले, मतलब ये एक आपके लिए बेहतरीन वैकेंसी होने वाली है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है कि मतलब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसमें अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, तो वो कमेंट में टाइप कर सकते हैं।